सफर में अगर मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, और बिकने का इरादा हो तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नौ प्रवेशी छात्र छात्राएं आज आपसे हम कुछ बात करने आए हैं और आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विषय में कुछ बताने आए हैं। आप एक नए छात्र हैं, आप एक अनजान शहर में आ रहे हैं, घर से बाहर निकलकर पहली बार अपने उस जिंदगी के सफर में आ रहे हैं जहां पे आपको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप सब अभी नए छात्र हैं, आप सब सिर्फ अभी हमको ही जानते हैं और हमें ही देखकर आप शायद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। मैक्सिमम छात्रों के विषय में यही जानकारी मैं रखता हूँ। आपको करना क्या है, आपको किस तरीके से रहना है, आपको किस तरीके से वातावरण यहाँ का कैसा है, उसके विषय में आज हम आपको बताने आए हैं। अगर आप एक नए छात्र हैं तो आप बहुत ही मासूम होंगे। मासूम होने का मतलब ये है कि अभी आप किसी से चिर परिचित नहीं होंगे, आप कोई जैसा बताएगा आप वैसा ही समझेंगे। विश्वविद्यालय आपका बहुत शानदार है, अगर आप अपने साथ ईमानदारी से रहेंगे, अगर ईमानदारी से लगेंगे तो आपके साथ विश्वविद्यालय भी न्याय करेगा और आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी। कुछ बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में मैंने सीखा है कि श्रद्धा मान देती है, विनम्रता ज्ञान देती है और योग्यता स्थान देती है, और तीनों आपस में मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि आपको विनम्र बनना है, यानी कि आपको बहुत डाउन टू अर्थ रहना है, यानी कि आपके वाणी में, आपके व्यवहार में विनम्रता झलकनी चाहिए। आपके अंदर योग्यता तो हुई है क्योंकि आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है और आप एक अच्छे छात्र हैं, इस वजह से आपका विश्वविद्यालय में एडमिशन होता है और हो रहा है और हो चुका है, तो योग्यता आपके अंदर है। आपके अंदर विश्वविद्यालय के प्रति श्रद्धा और निष्ठा भी होनी चाहिए कि हमारा विश्वविद्यालय हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे आपकी निष्ठा हमारे प्रति है, आपने हमको बहुत प्यार दिया है और हमने भी आपके साथ बहुत ईमानदारी से काम किया है। आप जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आते हैं, किसी भी शहर में आप जाएंगे तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बहुत खराब भी लोग मिलेंगे। हो सकता है कि आपसे बहुत लोग अपना ईगो भी फंसा लेंगे। आप एक नए छात्र रहेंगे, नए छात्रों के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। आप कैंपस में आएंगे तो आपका वही कल्चर रहेगा कि आप भाई भैया ये सब बोलते रहते हैं, तो आप हमको कुछ भी बोलिए हमको उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम आपसे बहुत कनेक्ट हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा आपको कल्चर में ढहना होगा। जो भी लड़के हैं वो थोड़ा सा जो है ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तो आप लोग काम ये करिएगा कि थोड़ा सा विश्वविद्यालय के भी कल्चर को फॉलो करिएगा कि अपने सीनियर आपको जो मिले, देखिए आप यहाँ पे सबसे छोटे छात्र हैं, सबसे अनुज हैं आप, तो आप अपने सीनियर्स को सर बुलाइएगा, यानी कि बहुत ये नहीं है कि आप भाई बोलिए कुछ बोलिए। अगर आपसे कोई सीनियर है या अगर आपका ही बैचमेट कोई है तो आप उसको सर का प्रोनाउंसिएशन करिए, तो आप उससे प्यार से बोल सकते हैं। कोई आपसे कुछ भी पूछे तो आप उसका बहुत विनम्रता से जवाब दीजिए, बहुत इगोइस्टिक मत बनिए क्योंकि अभी आप एक नए छात्र हैं। हम आपको इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे परेशान हुए थे क्योंकि आप हमको देखकर आ रहे हैं। हम आपके साथ कैसी भी बॉन्डिंग है, आप हमको अच्छा भी बोलेंगे, हमको आप खराब भी बोलेंगे, तब भी हम उसका बहुत शालीनता से, बहुत विनम्रता से जवाब देंगे क्योंकि हमसे ज़्यादा विनम्र आपको कोई मिलेगा भी नहीं, और इसी का फ़ायदा बहुत लोग उठाते भी हैं तो इस वजह से बहुत उल्टा सीधा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अपना ईगो कहीं पर नहीं फंसाना है। कोई दो बात बोल भी रहा है तो हमको सुन लेना है, हमको जवाब उसका बहुत ज़्यादा नहीं देना है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो झुकना सीखिए, ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है क्योंकि बहुत ऊपर चढ़ने वाले व्यक्ति बहुत विनम्र होते हैं। आप जितने भी ऊंचे पायदान पर पहुंचने वाले लोगों को देखिए, वो उनके अंदर विनम्रता ठूस ठूस के भरी रहती है। तो पहली बात आपको ये देना है कि आपको अच्छे से शालीनता से जवाब देना है, ये बात ध्यान दीजिए। रही बात लड़कियों की, तो आप सब एक छात्राएं हैं, बेटियां दो दो घरों का मान होती है। अगर आप बाहर आ रही हैं तो अपने माँ बाप के सपने को लेकर बाहर आ रही हैं, और बहुत बड़ी संख्या में एक तरीके से होता है कि लड़के तो घर से बाहर निकल जाते हैं, लड़कियों को निकलने में बहुत दिक्कत होती है। अब दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत समस्या रहती है कि समाज भी उनको बहुत कुछ बोलता है। आजकल तो परिवेश थोड़ा बदल रहा है लेकिन अभी भी कुछ कुछ क्षेत्रों में उनको ताना सुनना पड़ता है। आपके माता पिता को ताना सुनना पड़ता है, फलाने की बिटिया इलाहाबाद गई है, ढकाने की बिटिया इलाहाबाद गई है, देखते हैं क्या तीर की आती है, क्या कर पाती है वहाँ पे। तो आपके लिए दोहरी चुनौती है, आपको खुद के लिए भी प्रिपेयर रहना है और आपको समाज से भी लड़ना है। आपको अपने माँ बाप का सर कभी झुकने नहीं देना है। उसके लिए आपको ये करना है कि आपको पहले तो मैं कमिटमेंट आप सबसे कर रहा हूँ कि आपको पढ़ाई लिखाई किसी भी तरीके से कोई भी समस्या पहली बात होगी ही नहीं। आपको किसी के पास कुछ पूछने की जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको सिलेबस चाहिए, हमारी टीम प्रोवाइड करवाएगी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आपको नोट्स चाहिए, हम आपको देंगे। आपको कैसे पढ़ना है, हम आपको बताएंगे। आपको रहना कहाँ है,
हम आपको बताएंगे आप परेशान कहाँ होंगे। हमको तो समझ नहीं आता कि आप परेशान होंगे कहाँ। तो आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को कभी अकेला ही महसूस मत करिए। इतना मैं कमिटमेंट आपके साथ कर रहा हूँ। ये बात है, आपको तो कोई परेशान तो करेगा नहीं। परेशान करेगा तो आपके पास सीधा जवाब है कि आप सीधे प्रॉक्टर ऑफिस में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। कोई कुछ भी पूछे उसका विनम्रता से जवाब दीजिए। अगर पानी सर से ऊपर जा रहा है तो आप उसके लिए अपना एक्शन लीजिए, क्योंकि अत्याचार सहने वालों की गलती होती है। तो अगर आपके साथ कोई भी ऐसी समस्या होती है तो विश्वविद्यालय का कुलानुशासक कार्यालय है, आप वहां पे जाके शिकायत दर्ज करवा सकती है अगर ऐसा कोई आपको परेशान करता है या ऐसी कोई दिक्कत आपको होती है। वैसे अगर आप अपने स्थान पे सही रहेंगी तो आपके साथ ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे भी लोग आपके यहाँ मिलेंगे, बहुत हेल्पिंग नेचर के भी लोग आपको मिलेंगे, इसके साथ साथ बहुत डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग भी आपको मिलेंगे। ये बहुत मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, ये हर जगह का ऐसा सीन है। लेकिन ये है कि हम आपको सिर्फ माहौल के बारे में बता रहे हैं कि आपको करना क्या है। आपको अपने आप से मतलब रखना है। पहले साल आपको जम के पढ़ाई करनी है और जम के मेहनत करनी है। दूसरी बात ये है, आज तक हमने आपके साथ बहुत ईमानदारी से काम किया है, हमने आपको सारी सूचना दी है, हमने आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। आपका एडमिशन आपकी काबिलियत से हो रहा है, आप अच्छा नंबर पाए हैं, इस वजह से आपका एडमिशन हो रहा है। हमारा आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा, हम आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर हम उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो हमारी टीम के सदस्य आपको सारी जानकारी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो ये जानिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भविष्य में बहुत सारे प्रेडिक्शन हैं, बहुत सारी बातें फैलती हैं, बहुत इसको अच्छा बोलते हैं, बहुत लोग इसको खराब बोलते हैं, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि आपके लिए कौन बेहतर है। ऐसे ही ठीक सा ही मेरे भी साथ होता है, आप सिर्फ हमको जानते हैं। मेरे भी बहुत फैंस, मेरे भी बहुत चाहने वाले हैं और मेरे भी बहुत विरोधी हैं। विरोधी हमेशा बुराई ही करते रहते हैं। एक कॉमन सी बात हम आपको बताएं, मेरे इलेक्शन में 4000 वोट पोल हुए थे, 1000 वोट मैं पाके चुनाव जीता था, 3000 वोट मेरे विरोध में पड़े थे। तो एक बात ये जान लीजिए, हर 10 में से 7 व्यक्ति गलत बोलेगा और 3 ही व्यक्ति आपका सही हो सकता है। हम सबके लिए तो अच्छे बन नहीं सकते। अगर आपके साथ हमने ईमानदारी से काम किया है, अगर आपके साथ मैं न्याय किया हूँ मैं, तो आप हमारे लिए अच्छे ही हैं और हम आपके लिए भी अच्छे हैं। बहुत चीज़ें आपको हो सकता है कि आप जब मेरा नाम लेंगे तो बहुत ज्वेलसी भी लोगों के अंदर होगी कि इनका नाम क्यों ले रहा है, इनकी वजह से क्यों आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा लोग परेशान भी करेंगे। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आपको सहज रूप से विनम्र भाव से उसका जवाब देना है। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। विश्वविद्यालय में आपको आना है, कहीं भी नहीं जाना है, आपको अपने क्लास जाना है, आपको अपने डिपार्टमेंट जाना है, आपको वहाँ पे क्लास करनी है। किसी अनजान इंसान पे हमको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हर एक इंसान आपके साथ स्वार्थ से ही जुड़ेगा। आपके सबसे अच्छे दोस्त इस जीवन में आपके माँ पापा हैं। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर आप एक अनजान शहर में आ पा रहे हैं और आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने आ रहे हैं, तो उस सपने में आपके माँ का प्यार होगा, आपके बाप का दुलार होगा, आपकी बहन का स्नेह होगा, आपके भाई का भातृत्व होगा, आपके परिवार की उम्मीद होगी, आपके समाज की आस होगी और आपका अपना सपना होगा। उस सपने को पूरा करने के लिए आपको कैसे भी करके खूब जी तोड़ मेहनत करनी होगी। हमारे माता पिता बहुत अमीर नहीं है कि हमको बहुत पैसा दे सकें। 4000 रुपये 3000 रुपये आपको महीने में मिलेंगे सर्वाइव करने के लिए। वो किस मजदूरी करके, कितना खट करके, अपने जीवन को दांव पे लगा करके, अपने सुखों को त्याग करके अगर आपको इलाहाबाद में पढ़ने के लिए भेजे हैं, तो उनके सपनों को एक रात सोने से पहले हमेशा याद रखना है कि उनके सपनों को पूरा करना है। कोई ऐसा भी इंसान 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर सो रहा है जिसकी नींद हमारे सपनों पे डिपेंड करती है, जिसका चयन हमारे सपने पे डिपेंड करता है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तब आपके साथ जरूर ईश्वर न्याय करेगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान ये देना है कि आपके जीवन में आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके माँ पापा हैं। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, इलाहाबाद में अगर आप रह रहे हैं, तो कम से कम शाम को उनसे एक बार जरूर बात करिए, दिन भर में उनके पास जरूर कॉल करिए। क्योंकि जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो दोस्तों की लॉबी में आते हैं, उनके दोस्त बनते हैं, समय के साथ साथ वो समझदार होते हैं। समझदार होने के साथ साथ उनको सबसे ज़्यादा खराब लगता है कि मम्मी पापा पूछते हैं बेटवा कैसे रहा, बिटिया कैसे रहा। तो बेटा और बेटी का जो जवाब रहता है वो बहुत इरिटेटिंग वे में बात करते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है ऐसे ही चीजें होती रहती हैं। लेकिन ये जानिए कि वो सिर्फ आपके लिए जी रहे हैं, वो आपको पढ़ने के लिए भेजे हैं। उनकी चीजों को आप समझिए और उनके सपनों से ही आपके सपने हैं,
और आपके सपने से भी उनके सपने हैं, तो उनकी उम्मीद कभी मत तोड़िएगा। जीवन में कोई भी ऐसा गलत काम मत करिएगा कि उनके सपनों में थोड़ी सी रुकावट आए। आप जितना डिस्ट्रैक्ट होंगे आपका पाथ उतना लंबा भटकता जाएगा। भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत मिलेंगे, परेशान करने वाले बहुत मिलेंगे, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, लेकिन आपको भटकना नहीं है, आपको अडिग रहना है, आपको लड़ते रहना है, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो हम आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे, तो आपको भी कदम से कदम मिलाना होगा। आपके जीवन में सबसे अच्छे दोस्त आपके माता पापा हैं, आपके माता पिता हैं, और उनसे आप सारी चीज़ें शेयर करिए, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। आप उनसे बात करिएगा, उनसे सारी चीज़ें बताइएगा, और वो आपकी बातों को समझेंगे, वो आपकी बातों को जानेंगे। लेकिन हाँ, कभी कभी बहलना नहीं है, फुसलना नहीं है, अपने आप को स्थिर रहना है। आप एक साल जीतोर मेहनत करिए, फर्स्ट ईयर में आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। वरना यही फर्स्ट ईयर में 37% विद्यार्थी बीएससी में पास होते हैं, 49% विद्यार्थी बीकॉम में पास होते हैं, और बीए का भी पासिंग रिजल्ट 60-65% रहता है, तो आधी संख्या तो पहले साल में ही सफाया हो जाती है, वो कहीं ना कहीं लापरवाही किए रहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। बाकी हम आपके साथ हैं, हमको कोई कितना भी बुरा बोलता है हमको माइंड ही नहीं करता मैं, क्योंकि जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी मॉब उसके पीछे करने में लगी रहती है, और उनको सिर्फ इसी में मजा आता है, तो उनको उसमें मजा आ रहा है, हमको आगे चलने में मजा आ रहा है। वो अपना समय हमारे ऊपर ही वेस्ट करते हैं, वो अपना समय हमारी चर्चा करने में ही वेस्ट करते हैं, तो इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। वो आपके आपको गलत बताएंगे तो आप गलत कैसे मानेंगे, लेकिन वो गलत बताने के लिए बहुत स्तर तक गिर जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, तो बहुत ध्यान नहीं देना है, बहुत परेशान नहीं होना है। अगर हम ये जानते हैं कि आपके साथ हम ईमानदारी से काम किए हैं, तो आपके साथ हमेशा ईमानदारी से हम लगे रहेंगे, और आपका भी साथ हमको हमेशा मिलता रहेगा। इसी वजह से मैंने आपको एक नंबर दिया है, आप उस नंबर पे हमसे सारी बातों को कर सकते हैं, और अपने बातों को आप विचारों को भी आप व्यक्त कर सकते हैं।